दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कनाडा की एक ऐसी होटल के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, आज मैं कनाडा की बेन स्प्रिंग्स होटल होटल के रूम नंबर 873 और इस होटल में रुके लोगों के साथ हुई पैरानॉर्मल कहानियों के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बेन स्प्रिंग्स होटल कनाडा के एल्बर्टा में स्थित है और कनाडा की ग्रेट रेलवे होटल्स में से एक है। इस होटल को कनाडा की मोस्ट हॉन्टेड बिल्डिंग भी मानी जाती है। ये होटल पहले 109 साल पुराना किला था जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। होटल के एम्प्लॉयज और गेस्ट ने कई सारी भूतिया चीजों का सामना किया है, जैसे कि टेबल के अपने आप हिलने से लेकर सैम मैकोले नाम का आदमी जो 60-70 के दशक में इस होटल में काम करता था उसकी आत्मा दिखाई देती है। और अगर आप सैम से बातचीत करने की या टिप देने की बात करते हैं तो वो गायब हो जाता है। सैम की मृत्यु 1976 में हुई थी और वो होटल से बहुत प्यार करता था। सैम के एक साथी डेविड मोबर्ग ने बताया था कि एक बार एक पुराने जमाने के यूनिफॉर्म पहने एक बेलमैन जो सैम के जैसा ही दिखता था, उसने रहस्यमय तरीके से प्रकट होकर दो महिलाओं को जो रूम में फंस गई थी उन्हें बाहर निकालने में मदद की थी। एक गेस्ट ने तो बताया था कि उसने सैम जैसे आदमी को दीवार पर चलते हुए देखा था। कुछ लोगों ने तो बताया था कि उन्होंने एक दुल्हन को डांस करते हुए देखा था। एक बार साल 1932 में होटल में अपने शादी के दिन जब दुल्हन हाथ में मोमबत्ती लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है तब वो गिर जाती है और मोमबत्ती की वजह से उसके कपड़ों में आग लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मौत के ठीक एक साल बाद होटल के एक एम्प्लॉय ने आधी रात में एक रहस्यमय संगीत सुना था और रॉब रॉय डाइनिंग रूम में एक दुल्हन को अकेले डांस करते देखा था। होटल के एक अनुभवी हाउसकीपर ने बताया है कि उसने कई बार एक भटकती हुई दुल्हन को खाली कमरों से अंदर बाहर आते जाते देखा है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस होटल में लोगों के साथ हुई भूतिया कहानियों के बारे में बताता हूँ। एक बार 2017 के फेब्रुआरी मंथ में कुछ लोग इस बेन होटल के थर्ड फ्लोर पे थोड़े दिनों के लिए रुकते हैं। एक रात जब वो लोग सो रहे थे तब उनमें से एक आदमी अचानक से जाग जाता है क्योंकि उसे लगा कि कोई उसके पैरों के साथ खेल रहा था, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। बाद में दूसरे दिन किसी ने उसे बताया कि एक दुल्हन की इस होटल में डेथ हो गई थी और शायद वही तुम्हारे पैरों के साथ खेल रही थी। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दूसरी कहानी बताता हूँ। एक बार एक कपल इस होटल में दो रातों के लिए स्टे करता है और वो रूम नंबर 914 में रुकते हैं। जिस फ्लोर पर वो कपल रुका था उस फ्लोर पर सिर्फ 4 कमरे ही थे और वो कमरे कभी यूज नहीं किए गए लग रहे थे क्योंकि कपल को वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ एक सफाई कर रहे आदमी को छोड़कर। कपल ने बताया था कि एक रात उन्हें रूम के दरवाजे के पास से एक अलग तरह की आवाज आ रही थी जो थोड़ी थोड़ी मिनट के बाद रिपीट हो रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। उस कपल में से हस्बैंड ने बताया था कि जब वो 10वें फ्लोर पर होते थे तब 10वें फ्लोर से 9वें फ्लोर पर आने के लिए एक अलग प्रकार के लिफ्ट का ही उपयोग करते थे। इस होटल में 10वें, 11वें और 12वें फ्लोर पर जाने के लिए एक पुरानी छोटी सी लिफ्ट का उपयोग करना पड़ता है। होटल की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 10वें, 11वें और 12वें फ्लोर के सभी कमरों का रूम नंबर का स्टार्टिंग डिजिट 9 से शुरू होता है, भले ही वो कमरा 12वें फ्लोर पर क्यों न हो। अब मैं आप लोगों को तीसरी कहानी बताता हूँ। एक बार एक परिवार कैलगरी से वापस लौटते समय बेन होटल में रुकने का फैसला करता है। वहाँ रुकने के दौरान वो लोग होटल के उस सभी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर वो दुल्हन और बेलमैन आदमी की कहानियाँ घटी थी। वो लोग बॉलरूम में भी जाते हैं जहाँ दुल्हन डांस करती थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला या कुछ अलग महसूस भी नहीं किया। बाद में जब होटल से जाते समय वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना होटल के बाहर जो स्टैचू है उसके साथ फोटो ली जाए। वो लोग रात के 11:46 पर पहली फोटो लेते हैं जिसका नंबर 416 था। इस फोटो में दो लोग थे जो स्टैचू के पास खड़े होते हैं और जैसे ही दूसरा फोटो लेते हैं तो उस फोटो में फैमिली के मेंबर के अलावा एक ब्लू लाइन से बनी फोटो दिखाई देती है जो हवा में तैर रही होती है। ये फोटो का नंबर 417 था। इसके बाद वो लोग जल्दी से एक दूसरी फोटो लेते हैं जिसमें ब्लू लाइन से बनी इमेज गायब हो जाती है। बाद में उस फैमिली को लगा कि वो ब्लू लाइन से बनी इमेज वो बुढ़े आदमी की होगी जो शायद लोगों को होटल के अंदर दिखाई देता है। अब मैं आप लोगों को चौथी कहानी बताता हूँ। एक बार एक फैमिली बेन होटल में 3 रात के लिए रुकती है जिसमें पहली रात में फैमिली का एक लड़का जब वो सो रहा होता है तब
अचानक से जाग जाता है और देखता है कि एक सफेद बालों वाला आदमी उसके बिस्तर के पास खड़ा होता है और उसे घूर रहा होता है। जैसे ही लड़का उस आदमी के आंख से आंख मिलाकर देखता है तो वो आदमी कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर जाने के लिए दरवाजे का उपयोग ना करके खिड़की से जाता है। अब मैं आप लोगों को बेन फोटल के रूम नंबर 873 से जुड़ा एक रहस्य बताता हूँ। रूम नंबर 873 में एक बार एक आदमी ने अपनी पत्नी और बेटी को मार दिया था और फिर खुद को भी मार दिया था। इस परिवार की आत्माओं ने होटल में आने वाले लोगों को इतना सताया है कि आज रूम नंबर 873 के दरवाजे के आगे ईंट लगाकर दीवार बना दी गई है। लेकिन आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वो दरवाजा पहले कहाँ हुआ करता था। इस कमरे में परिवार की एक छोटी सी बच्ची के उंगलियों के निशान है, जिसे चाहे कितनी भी बार साफ कर लो वो वापस आ ही जाते हैं। इसके अलावा कमरे की दीवार पर खून के धब्बे देखे गए हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उस परिवार को कई बार होटल के कॉरिडोर में भी देखा गया है। आज बेन स्प्रिंग्स होटल के उस हिस्से में शादियां नहीं होती जहां पर वो दुल्हन की सीढ़ियों से नीचे उतरते मौत हो गई थी। आज उस हिस्से को ब्लॉक कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी कनाडा की सबसे भूतिया बिल्डिंग्स में से एक द बेन स्प्रिंग्स होटल की कहानी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।